तो एपिसोड 1 में मैंने बोला था इंडिया के टॉप 1 टाइटल लूंगा, वो भी M10 का। और एपिसोड 1 में मैंने ओपन ग्लोरी का कितना ग्लोरी पुश किया आप लोगों को तो दिखाया ही नहीं, तो फटाफट से आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ एपिसोड 1 में मैंने कितना ग्लोरी पुश किया था 2 दिन के अंदर। तो अभी के टाइम पे देख सकते हो मेरा 8000 के करीबन स्कोर है अभी के टाइम पे, और मैं इंडिया में अभी के टाइम पे 17 नंबर पे हूँ। और मेरे को चाहिए कम से कम टॉप 10 में आने के लिए 1000 के करीबन, एंड टॉप 1 के लिए चाहिए हम लोगों को 2000। और देखते हैं आज हम लोग टॉप 1 कर पाते भी कि नहीं, तो चलते हैं हम लोग सीधा गेम पे। तो एपिसोड 2 का फर्स्ट गेम ही यहाँ पे हमारे नेक्स्टा मैप दे देता है, एंड मैं उतर जाता हूँ यहाँ पे ब्लू जोन पे, और ये हमारा डेली प्लस है, इसमें हमारे डेली प्लस होने वाले हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लूट करने के बाद जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, देन उसको मैं उड़बेगा से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसको नहीं लगता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे गाड़ी में बैठ के यहाँ पे रस मारने चला जाता हूँ। देन देखता हूँ यहाँ पे बंदा आ रहा था, देन उसको गाड़ी से थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, एंड उसके बाद MP40 से स्प्रे देखें यहाँ पे सोनिया एक्टिव करा दिया, देन उसको बॉडी वॉडी देखें यहाँ पे फिनिश कर दिया। और अभी के टाइम पे सोनिया दिमित्री मत लेके आओ बच्चों। देन उसके बाद लूट करने के बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे बंदे का एक फायर का फूट आ रहा था, देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ बंदे के मुंह पे घुस के मारने के लिए, और बंदे को मैंने थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, बट बंदे ने यहाँ पे ग्लूअल से पैक हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा था बट यहाँ पे एम नहीं जा रहा था, एम गया बट बंदे ने यहाँ पे ग्लूअल लगा दिया। और यहाँ पे ग्लूअल तो देखो भाई क्या ही खतरनाक ग्लूअल है, जो ओल्ड प्लेयर है ना उन लोगों को भी पता है। देन बंदा यहाँ पे निकलता है, देन उसको मैंने सोनिया एक्टिव करा देता हूँ, एंड बंदा यहाँ पे सोनिया दिमित्री लगा देता है, पीछे और एक बंदा आ जाता है मेरा किल चोरी करने के लिए, एंड उसको भी मैंने हेडशॉट देखा, मैं नॉक कर देता हूँ, देन वो भी बंदा भाई सोनिया दिमित्री, मजाक चल रहा है क्या भाई, सभी बंदे सोनिया दिमित्री लेके आ रहे हैं। देन उसके बाद मैं दोनों को यहाँ पे लूट करने का सोच रहा था, देन मेरे पास काफी ज्यादा हेल्थ डाउन था, तो फटाफट से मैं मेडिकेट लगा लेता हूँ, देन उसको भी लूट कर लेता हूँ, एंड लूट करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे जोन के अंदर। देन यहाँ पे देखता हूँ एक बंदा जा रहा था, देन उसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ, एंड यहाँ पे बंदा फिनिश हो जाता है गाड़ी से, सॉरी M10 के किल से। और इसी के साथ साथ हमारे 4 किल जो कि हो चुके हैं। देन उसके बाद ना मैं थोड़ा आगे तरफ बढ़ता ही रहता हूँ, और आगे मेरे को एक बंदा दिख जाता है, देन उसको मैं बॉडी बॉडी देके यहाँ पे नॉक कर देता हूँ, क्योंकि उसके पास था ना इंजेक्शन, तो फटाफट से उसको इंजेक्शन को मैं फोड़ देता हूँ। देन यहाँ पे जाता हूँ आगे की तरफ, और इसी के साथ साथ हमारे 6 किल भी हो चुके हैं, एंड अभी आ जाते हैं हमारे एंड जोन पे। और अभी के टाइम पे ना यहाँ पे 4 बंदे जो कि अलाइव है 0 सर्कल में, और यहाँ पे एक बंदा था और उसको मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया, एंड बंदे ने सोनिया दिमित्री लगा लिया है, ऊपर छत पे था तो बंदा बच गया, और यहाँ से एम भी नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे फटाफट से कवर लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी होल्ड करता हूँ, क्योंकि हमको चाहिए बुया, क्योंकि मेरा किल का कोटा तो पूरा हो चुका है, एंड मैं बुया के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। देन उसके बाद उसको फिर से नॉक किया, और अभी के टाइम पे शायद उसके पास इंजेक्शन है, तो मेरे को मेडी वेडी लगा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत बंदे ने डैमेज भी दिया था। और यहाँ पे देखो बंदे का पैर दिख रहा है, और यहाँ पे फिर से नॉक, भाई ऐसे कैसे भाई, मजाक चल रहा है क्या, इतने बार नॉक करूँ भाई, 3-4 बार नॉक कर दिए बंदे को, फिर भी बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। देन यहाँ पे बंदा छत से कूद गया, देन उसको 60 का डैमेज पड़ा है, और यहाँ पे बंदे का दोनों को फाइट हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा होल्ड करना चाहिए, फाइट के बीच में घुसना नहीं चाहिए। और मेरे पास था गाड़ी, तो यहाँ पे मैं घुसने का सोचा, देन उसके ग्लूअल को तो मैंने फोड़ दिया। देन यहाँ पे एक ही बंदा जिंदा है, और यहाँ पे बंदा यहाँ पे गाड़ी में चढ़ गया, तो गाड़ी को मैं जोन पे घुसा देता हूँ, और गाड़ी के साथ साथ बंदा भी यहाँ पे जोन में चला जाता है। देन मैं यहाँ पे ग्लूअल लगा देता हूँ ताकि बंदा मार ना पाए, और एक ग्रेनेड भी कुक करके फेंक देता हूँ ताकि बंदा है तो यहाँ पे किल मुझे मिल जाए। और बंदे का आता पता तो नहीं है भाई, बंदा भी किस भी लोकेशन पे है, फिर भी मैं मेडिकेट वगैरह सब कुछ लगा लेता हूँ, क्या पता भाई। और इसी के साथ साथ बंदा एलिमिनेट हो जाता है, एंड इसी के साथ साथ हमारे फास्ट मैच बुया हो जाता है, एंड 55 का प्लस मिलता है, और प्लस तो अच्छा खासा मिला है, लेकिन M10 का ग्लोरी देख लेते कितना मिला है, MP40 का 100 और M10 का सिर्फ 10। बैगन, और फर्स्ट मैच बैगन होने के बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट मैच पे, और नेक्स्ट मैच हमारे दिया था यहाँ पे बरमुंडा, एंड मैं आर्सेनल पे उतरा था, सॉरी अपना रिसप्लाई पे उतरा था, और रिसप्लाई लूटने के बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ, देन यहाँ पे बंदा एक छत से कूद रहा था, देन उसको हेडशॉट देके मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसको लूटने के बाद हम लोग आगे की तरफ जैसे ही बढ़ ही रहे थे, देन फिर से एक बंदा छत से कूद रहा है, आज क्या छत से ही बंदे कूद रहे हैं क्या, और यहाँ पे उसको मैं बॉडी वॉडी देके यहाँ पे बंदे को फिनिश कर देता हूँ। इसका लूट लूटने के बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ ना, यहाँ पे एक बंदा मेरे ऊपर फायर करता है, देन उसको मैं गाड़ी से उड़ा के यहाँ पे M10 से बॉडी वॉडी देके यहाँ पे फिनिश, सॉरी नॉक हो गया है, तो फिनिश तो नहीं हुआ, नॉक हुआ था, दिमित्री ऑन कर दिया था भाई ने। और उसको लूटने के बाद जैसे और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ पे और एक बंदा दिख जाता है, मुझे तो आज तो बंदा ही बंदा दिख रहा है यार, और बंदा काफी तेज है, यहाँ पे ग्लूअल पे ग्लूअल लगा के यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहे हैं मेरे को, और JGM भाई को मूवमेंट, रुको जरा तुमको दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे बंदा पीछे की तरफ भाग रहा है, मेरे को तो ऐसा अंदाजा हो रहा है अभी,
तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर होकर यहाँ पे कोने के साइड चला जाता हूँ एंड ऊपर से मैं इसको हेडशॉट देके यहाँ पे बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उसको लूटने के बाद जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ ना, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे ग्लूवल लगा है। मेरे को सोचा बंदा है, लेकिन यहाँ पे बंदा तो है ही नहीं। अरे सॉरी, बंदा था यहाँ पे, और यहाँ पे बंदे को मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया है एंड एक गोली में बंदे को यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और आगे की तरफ बंदा भी है, लेट्स सी देखते हैं क्या सीन होता है। यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ लूट करके ना थोड़ा आगे की तरफ बढ़ ही जाता है, क्योंकि इतना ना मतलब फाइट करना सही नहीं है। देन फाइट करने के बाद जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ पे एक बंदा भाई हील हो रहा था, इजी का फ्री का किल मिल गया एंड यहाँ पे भी और एक फ्री का किल। और फ्री का किल करते करते ना कब हमारे 9 किल हो जाता भाई पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था, देन यहाँ पे पेड़ के पीछे एक बंदा था, मेरे को पता भी नहीं था। और यहाँ पे बंदा उड़ जाता है और बंदा यहाँ पे सोनिया और दिवित्री लगा के यहाँ पे बंदा यहाँ पे पैक हो चुके हैं। एंड मैं यहाँ पे ग्लूवल फोड़ने का ट्राई तो कर रहा था, बट यहाँ पे उसके पास नायरी करेक्टर है, तो मैं यहाँ पे उसके ग्रेनेड के अंदर यहाँ पे ग्रेनेड फेंक देता हूँ और यहाँ पे बंदा फिनिश, टाटा बाय बाय खत्म। भाई मेरे सामने दिमित्री लगा हो गए, एजीएम भाई के सामने, मजाक है क्या? अरे भाई बहुत अच्छी खासी लूट थी इसके पास तो, और यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रेनेड इसके पास था, तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड उठा लिया है। लेट्स गो, यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने की बारी। और मेरे पास काफी ज्यादा सामान है तो इन लोगों को रखने का कुछ फायदा नहीं है, मैं फेंक देता हूँ। और बंदा शायद टावर पे है या फिर नीचे है, मेरे को अंदाजा नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं देखते हैं क्या होता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे बंदा शायद टावर पे ही है। चलो यहाँ पे ग्रेनेड फेंकते हैं, ओके ड्रॉप भी है, तो ड्रॉप के पीछे मैं ग्रेनेड यहाँ पे दो फेंक दिया है, और भी है, और फेंक देता हूँ, और फेंक देता हूँ। भाई एक डैमेज आया और फिनिश भाई, इजी पीजी भाई। और इसके साथ साथ ये मैच भी हमारे भुया हो जाता है एंड प्लस हम लोगों को अच्छे खासा मिल जाता है। और वेपन ग्लोरी के बाद यहाँ पे 100 का मिला है M10 का, काफी अच्छी बात है। हाँ। तो हमारे सेकंड गेम बहुत ही बढ़िया चलते हुए मैं ब्लू जोन पे उतर जाता हूँ और मेरे साथ हो जाता है मोए मोए। और मोए मोए होने के बाद हम लोग आ जाता है सीधा हमारे रिसप्लाई पे। रिसप्लाई पे थोड़ा बहुत मेरे को लूट मिल जाता है, वेस्ट वगैरह वगैरह। और उसको लूटने के बाद सेकंड रिसप्लाई पे भी हम लोग आ जाते हैं और इसको लूटते लूटते हमारे साथ कुछ ऐसा सीन हो गया। देखो इधर से मेरे को एक बंदा आते हुए दिखा और उसको मैंने बॉडी तो यहाँ पे डैमेज दिया, लेकिन उसने भी मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दिया है। तो मेरे पास के कैरेक्टर है तो मेरा हेल्थ फुल होता रहेगा और मैं उसको ऊपर भाई सीधा घुस जाता हूँ और इसको बॉडी देके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और फिनिश करने के बाद उसको लूटने के बाद हम लोगों के पास काफी अच्छा खासा लूट हो जाता है, तो मैं आगे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ एक बंदा जा रहा है, तो उसको मैंने काफी ज्यादा बॉडी डैमेज दिया है, लेकिन बंदे ने हमें पैक कर लिया है। और मैं इसका ग्लू वॉल फोड़ के उसको हेडशॉट से यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ बी जोन से। और इसी के साथ साथ हमारे 2 किल हो जाता है एंड यहाँ पे रास्ते से एक बंदा जा रहा था, उसको मैं M10 से यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ 3 किल हो जाता है और यहाँ पे एक बंदा मैं देखता हूँ यहाँ पे मैच के क्या कर रहा पता नहीं, लेकिन उसको मैं वन टैप देने का ट्राई करता हूँ लेकिन उसको नहीं लगता है, तो उसको मैंने बॉडी तो थोड़ा बहुत दिया था और M10 थोड़ा बहुत तो मेरा अच्छा खासा चलता है, तो मैं M10 से वन टैप मारने का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन उस बंदे ने मेरे को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज दे दिया है और मैंने पैक भी कर लिया और वो बंदे ने ग्रेनेड भी मार रहा है। तो फटाफट से मैं थोड़ा पीछे की साइड चला जाता हूँ और देखता हूँ बंदे कौन सी साइड जा रहा है और बंदे का लोकेशन मेरे को पता है और यहाँ पे मैं बॉडी देके बंदे को अभी फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे 4 किल जो कि हो जाता है, देन मैं आ जाता हूँ एकदम लास्ट सर्कल के अंदर और यहाँ पे 2 बंदे फाइट कर रहे थे, तो मैं गाड़ी घुसा देता हूँ और यहाँ पे एक बंदे को मैं बॉडी M10 से खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पे और एक बंदा था, तो वो बंदा सीधा भागने के फिरार में था, तो उस और उसको कोई पीछे से मार देता है और मैं आ जाता हूँ सीधा लास्ट सर्कल में और यहाँ पे बंदा था, उसको मैं गाड़ी से उड़ा देता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे भुया हो जाता है एंड प्लस भी अच्छा खासा हुआ। एंड वेपन ग्लोरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत कम मिला है एंड 3 का स्टिक भी बन चुका है और 3 का स्टिक लेके हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट मैच पे। और नेक्स्ट गेम हमारे दिया था यहाँ पे बरमुंडा मैप एंड बरमुंडा मैप में भाई इधर उधर मैं भटकते भटकते भाई मेरे को एक भी बंदा फिर भी नहीं दिखता है। बरमुंडा से भाई क्या नफरत है भाई मुझे पता नहीं यार, बंदा दिख ही नहीं रहा है आज, और नसीब का प्रॉब्लम है या फिर पता नहीं क्या है, लेकिन मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को नहीं मिलता है बंदा। पीक से बीमा शक्ति से क्लॉक टावर भाई इधर उधर घूम के भी मेरे को बंदा नहीं मिलता है। यहाँ पे गाड़ी भी चेंज कर लेता हूँ एंड लास्ट में एक बंदा मेरे को मिलता है एंड उसको मैं बॉडी हेडशॉट बॉडी देके फिनिश कर देता हूँ। एंड इसके साथ साथ इस मैच को हमारे भुया मिल जाता है 2 किल के साथ और देखते हैं हम लोगों को कितना प्लस मिलता है वेपन ग्लोरी में। और 29 का प्लस और वेपन ग्लोरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी तो नहीं मिली है, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ा। और अभी ना थोड़ा हम लोग वेपन ग्लोरी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं, देख लेते हैं कितने में हम लोग अभी के टाइम पे हैं। और अभी के टाइम पे हम लोग टॉप 10 के अंदर घुसने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो गेम तो हम लोगों ने पहले स्टार्ट कर दिए हैं और चलते हैं सीधा हम लोग मैच के अंदर।
और टॉप 10 की घुसने की खुशी में हम लोग थोड़ा साइड में उतरते हैं। यहाँ पे साइड में एक बंदा दिख जाता है एंड उसको मैंने हेडशॉट देके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बंदा फायर दे रहा था, सॉरी बंदी है ये, और यहाँ पे उसको मैं फायर दे रहा था लेकिन एम नहीं जा रहा था। देन वो उठक बैठक कर रहा था एंड उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसी के साथ साथ मेरे साथ भी मोए मोए हो जाता है एंड उसके साथ भी मोए मोए हो जाता है। देन उसके साथ उसके बाद ना मैं सीधा लास्ट जोन पे एकदम आ जाता हूँ, क्योंकि ना इस मैच पे मेरा थोड़ा बहुत पिंग इशू चल रहा था तो मैंने रिक्स नहीं लिया बिल्कुल भी। और 5 किल भी हो चुका है हमारा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा ग्रेनेड मार रहे हैं सामने वाले बंदे, भाई कतई जहर। लास्ट सर्कल है और 2 बंदे जिंदा हैं और मेले के 3 और बंदे मेरे ऊपर रस मार रहा है और मैं फाइट लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास थोड़ा क्या बोलते हैं डैमेज भी था एंड सामने वाला 2 बंदा है। क्योंकि 2 बंदे जब रहते हैं ज़्यादातर फाइट लेने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैं यहाँ पे हीलिंग बैटल थोड़ा बहुत करता हूँ एंड इन दोनों का फाइट होने देता हूँ एंड एक बंदे को फिनिश करता है ये बंदा एंड उसको जाके मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसके साथ साथ इस गेम पे भी मेरा बुया हो जाता है एंड देखते हैं कितना प्लस मिलता है वेपन ग्लोरी एंड रैंक स्कोर। एंड भाई कितना सेल्फी ले रहा था मैं, और यहाँ पे 32 का प्लस एंड 6 का स्टिक। और 6 का स्टिक बनाने के बाद मेरे साथ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था, मैं फिर से यहाँ पे रस मारने चला जाता हूँ। एक बंदे को मैंने बॉडी बहुत ज़्यादा दिया है, बंदा ना क्या क्या करेक्टर लेके आया पता नहीं। और यहाँ पे हेडशॉट देके बंदे को नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे देखो पीछे से मेरे को एक बंदा फिनिश कर देता है, मतलब नॉक कर देता है और यहाँ पे फिनिश भी हो जाता हूँ। लेकिन ये बंदा भाई रिवाइव हो जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा 6 का स्टिक टूट गया यार, मजाक सेट के यार। 3 भाई बहुत मेहनत से बनाया था स्टिक यार, 6 का स्टिक भाई मजाक थोड़ी है यार। ये देख सकते हो भाई क्या ही तो स्टिक बनाए थे यार। भाई क्या कर सकते हैं, अभी नेक्स्ट मैच पे बढ़ते हैं और क्या बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। तो 6 का स्टिक तुड़वाने के बाद हमारे थोड़ा मतलब मूड थोड़ा गर्म रहता है तो मैं यहाँ पे 6 किल करने के बाद एकदम लास्ट जोन पे आ जाता हूँ एंड देखता हूँ सामने कितने बंदे जिंदा है। 3 बंदे लाइव है मेले के और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे लूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए बुया यार। जितना भी दिमाग गर्म रहे मैं बुया के लिए खेलता हूँ एंड कभी कभार मतलब वो हो जाता है ना रश करने का मूड हो जाता है, फिर भी थर्ड पार्टी हो जाता है तो फिर गेम खेलने का मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी यार क्या कर सकते हैं यार, थर्ड पार्टी से मार दिया अब क्या ही कर सकते हैं। चलो मेरे पास ग्रेनाइट एंड ग्लोअल मेल्टर है तो मैं आपसे ये सारे चीज़ फेंक देता हूँ क्योंकि रखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, घर ले जाके अंडा तो नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मैं ग्रेनाइट वगैरह सब कुछ फेंक देता हूँ और यहाँ पे बंदे के ऊपर डैमेज भी आया है, फिर से मैं फेंक देता हूँ ग्रेनाइट और यहाँ पे एक बंदा नॉक। अरे भाई तुक्के से नॉक निकल गई यहाँ पे, चलो हम पीछे भी फेंक देते हैं और बंदा शायद रिवाइव भी हो जाए क्योंकि ये वाला बंदा ना मेरे को काफ़ी देर से मार रहा है तो कुछ उसको फिनिश भी लेने नहीं जा सकता है। और इसने इसको मार दिया और उसको मैंने मार दिया एंड क्या ही बात है यार। और देखते हैं हमारे वेपन ग्लोरी का कितना ग्लोरी मिला है एंड 100 का मिला है M10 का। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और मुझे पता है अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन क्या कर सकते हैं यार, इतना जो गेम मैंने खेला है वो क्या करूं। लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ पे 17 का वेपन ग्लोरी टाइटल मिला, पता नहीं क्यों मैं सो गया था यार, इसी वजह से हम लोगों को 17 का वेपन ग्लोरी टाइटल मिला है। एंड वेस्ट बंगाल का मेरे को मिला है M14 का, और वेस्ट बंगाल M14 का 67 नंबर का मिला है। स्कोर वगैरह आप लोग देख सकते हो एंड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड आप लोग बताना आप लोग अभी के टाइम पे कौन सी रैंक पर हो और आप लोग BR रैंक पुश कर रहे हो कि नहीं, और कौन सी रैंक पे कर रहे हो, मतलब सोलो में कर रहे हो या फिर स्क्वाड में कर रहे हो या फिर डुओ में कर रहे हो, ठीक है कमेंट में ज़रूर बता देना। और आप लोग बताना ज़रूर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, इसी वेपन ग्लोरी पे ही लाऊं या फिर किसी और अदर टॉपिक पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। तो वालू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।